हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो थंबनेल देख के पता चल गया होगा क्या बना है। तब तक वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए, एक पैन ले लिए हैं, उसमें दूध रख दिए हैं गर्म होने के लिए। अब एक छोटी सी कटोरी लिए हैं और ये कॉर्न स्टार्च है, इसमें 2 चम्मच लेके इसका ठंडे पानी से एक घोल तैयार कर लेंगे। दूध में डालने के लिए इसमें 3-4 चम्मच चीनी डाल दिए हैं। अब इसको गाढ़ा करेंगे हम। अब ये घोल इसी में डाल दे रहे हैं ताकि दूध गाढ़ा हो जाए, हल्की सी रबड़ी बन जाए। आप चाहे अगर ज़्यादा गाढ़ा करना चाहते हो तो इसमें 4-5 चम्मच कॉर्न स्टार्च डाल सकते हैं, या तो मिल्क मेड भी डाल सकते हैं। अब इसको रख दिए हैं गाढ़ा होने के लिए। और अब फालूदा के लिए हम 3-4 चम्मच कॉर्न स्टार्च लेंगे, इसको घोल लेंगे ठंडे पानी में। इसके बाद इसको हम पकाएंगे। पानी डाल दिए हैं, अब इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे क्योंकि ये नीचे जम जाता है। तो गैस पे हम पैन रख दिए हैं, उसमें पानी रखे हुए हैं 2 गिलास, आप देख सकते हैं। अब इसी पानी में हम कॉर्न स्टार्च वाला घोल डाल देंगे और इसको चलाते हुए पकाएंगे। इसको लगातार चलाना है, नहीं तो नीचे जम जाएगा। तो देखिए, तुरंत जमने भी लगा। तो देखिए, धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है। इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है। देखिए, हमारा गाढ़ा हो गया है। अब इसको हम उतार लेंगे थोड़ी देर नीचे करके, इसके बाद इसको हम एक पॉलीथीन में डालेंगे। तो देखिए, आइसक्रीम निकाल ले रहे हैं कढ़ाई में, इसी में थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देंगे। और अगर मोल्ड नहीं है तो इसको कोई दूध की थैली हो या नमक वाली, उसमें हल्का सा नीचे कट लगाएंगे। तो देखिए, पहले इसको हम इसमें डाल दे रहे हैं फालूदा वाला बैटर। तो देखिए, ये भर गया है। अब इसमें हम नीचे से हल्का सा कैंची से काट लेंगे। तो आप देखिए, अभी पतला हो गया है, तो पतला वाला जल्दी टूट जाता है, इसलिए थोड़ा मोटा बनाना है। तो देखिए, अभी इसको हम मोटा सा छेद कर लिए हैं। इसके बाद ये पानी में जाते तुरंत सेट हो जाता है। तो देखिए, अब मोटा वाला बना रहे हैं। बैटर गर्म होता है तो इसलिए कुछ कपड़ा या रुमाल लेके इसको पकड़ के तब बनाएं। तो देखिए, कितना अच्छा बन गया है। चलिए, इसको गिलास में लगा लेते हैं। देखिए, चिया सीड को पहले ही भिगा के रख लिए हैं। ये रो सिरप है, हम गिलास के किनारे किनारे लगा दे रहे हैं। आप रूआफजा भी ले सकते हैं, कोई भी चीज जो आपकी पसंद का हो वो लगा सकते हैं। अब इसके बाद इसमें हम आइस क्यूब डाल दिए हैं। अब इसके बाद इसमें हम चिया सीड डालेंगे। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले भिगाए हैं तो अभी ठीक से नहीं फूला है, इसको 10 मिनट पहले भिगाना है।
अब इसके बाद सेवई इसमें डाल दे रहे हैं। अब इसके बाद इसमें जो रबड़ी बनाए थे वो डालेंगे। अब ये आम काट के हम रखे हुए हैं थोड़ा सा छोटे छोटे टुकड़े में, इसको डाल दे रहे हैं। आप इसी चीज़ को दो बार कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा डाल के, हम एक ही बार डाल दिए हैं ज़्यादा। तो इसके बाद थोड़ा सा रबड़ी और डाल दिए हैं। तो देखिए इसमें हम कुल्फी बना के रखे हुए थे डिब्बे में जमा के, उसको डाल रहे हैं। आप चाहे तो इसकी जगह आइसक्रीम डाल सकते हैं, कुल्फी फालूदा है तो हम इसको कुल्फी बना के रख लिए थे पहले ही। अब इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, आप चाहे तो टूटी फ्रूटी, चेरी, अनार के दाना कुछ भी डाल सकते हैं। इसके बाद से रोज़ सिरप थोड़ा सा और डाल देंगे। अब ये हमारा पीने के लिए तैयार है। तो देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है, उतना ही अच्छा पीने में भी टेस्ट है। चलिए इसको चला के दिखा दे रहे हैं, जितना आइस क्यूब से पतला हुआ है उतना कुल्फी से गाढ़ा हो गया है। आप इसमें कोई भी फल डाल सकते हैं और बिना फल के भी बना सकते हैं। तो चलिए अब आपको दूसरा तरीका दिखा दे रहे हैं। देखिए ये मशीन है, इससे भी इस तरीके से बना के निकाल सकते हैं। देखिए ये थोड़ा टूट गया है फालूदा, लेकिन टेस्ट उतना ही अच्छा है। तो चलिए इसको भी गिलास में बना लेते हैं। इसमें भी आइस क्यूब डाल दिए हैं। अब चिया सीड डालेंगे। अब सेवई डाल दिए हैं। अब इसमें दूध डाल दे रहे हैं। अब आम भी इसमें डाल दे रहे हैं। इसके बाद थोड़ा सा दूध और डाल के इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डालेंगे। अब कुल्फी डाल दे रहे हैं। इसके बाद से बादाम डालेंगे। अब रोज़ सिरप डाल दिए हैं। अब ये हमारा पीने के लिए तैयार है। तो इसी तरह आप भी बनाइए और इंजॉय करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।